नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मौर्य। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने ITR रिफंड का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। अगर आपने ITR रिफंड का फॉर्म भरा था और आप ये देखना चाहते हैं कि आपका रिफंड आया है या नहीं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अपना ITR रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पोस्ट पर आ जाइए। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा ITR रिफंड स्टेटस चेक। आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको असेसमेंट ईयर, मतलब आप जिस साल का रिफंड चेक करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम 2022-23 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है जो ऊपर दिया गया है। आप सेम कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपके ITR रिफंड का स्टेटस आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड ईयर दिख जाएगा, किस मेथड से आपका रिफंड आपके अकाउंट में गया है वो दिख जाएगा, रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, स्टेटस दिख जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो गया है, पहुंच चुका है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर भी दिखाएगा, लास्ट के 4 अंक, और डेट भी दिखाएगा किस डेट को आपका जो पैसा है रिफंड है वो आपके अकाउंट में गया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने ITR रिफंड का स्टेटस। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको एक दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।